ये इत्तफाक कैसे हो सकता है कि डेरिक के मर्डर का सबसे जरूरी सस्पेक्ट मारा गया, वो भी कुछ ही घंटों में। इसमें जरूर कुछ कनेक्शन है। मैं तो भूल ही गया था कि इसमें कितना मजा आता है। तुम्हारा पहेलियां सुलझाना, मेरा तुम्हें तंग करना, इंतजार करना कि दोनों में से किसकी पारखी नजर मैंने ढूंढ लिया करेगी। सिर्फ ढूंढ ही नहीं लिया, लगता है मैंने सॉल्व कर दिया। क्या इसमें डेरिक, सिड और तीसरे आदमी को पहचाना? हाँ, हमारा सबसे पहला गवाह। हाँ, मार्को फ्रैंकलिन, तीनों इराक में एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिवीजन में साथ काम करते थे। पर अभी और भी बातें हैं। बैंक रॉबरी के लिए 9 साल सजा काटने के बाद मार्को 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। बॉम्ब फोड़ के तिजोरी तक पहुंचा, लेकिन बाहर आते वक्त पकड़ा गया। और तो और, इस चोरी में उसके जो साथी थे वो कभी भी अरेस्ट नहीं हुए थे। तो सिड और डेरिक उसके पार्टनर्स थे, वो फंस गया, ये गया, इसलिए वो बाहर आकर क्लोजर चाहता है। हाँ, तुम्हें जो कहना है कहो, इसे कहते हैं केस सॉल्व्ड। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो शायद कातिल अब भी फरार है। सही कहा, जैसे महसूस नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो है जो अभी अधूरा है। गवाहों ने मार्को जैसे आदमी को सिड के घर के बाहर हमला करते हुए देखा था। इत्तफाक होगा, हो सकता है। तुम तो पूरी पूछताछ कर रही हो, तुम्हें मान गई, पर मेरे पास जवाब है। मार्को की 9 मिलीमीटर की गोली और क्राइम सीन की गोली एकदम सेम है, एक एंगल भी नहीं बचा जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं। बूम, अभी अरेस्ट बाकी है। हाँ, जब तक सस्पेक्ट पकड़ा ना जाए तब तक केस खत्म नहीं होता है ना? वो भी हो गया है। बस भी जाने, रिकॉर्ड ढूंढने में मेरी हेल्प की, इसलिए वो मार्को के घर पुलिस वालों के साथ गया है। यानी अब कोई काम नहीं है सिवाय पार्टी करने के। तो आज रात क्या करें? मुझे डांस करना है, मैं चेंज करके आती हूं। लूसिफर, हम अब भी नहीं, डिटेक्टिव, यही बेहतर रहेगा हम दोनों और बाकी सबके लिए। मुझे बस कहना था, ग्रेट लास्ट केस, अ ग्रेट पार्टनरशिप।